यार, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, आपके विराट कोहली हो या फिर ऋषभ पंत हो, इन सब तीनों क्रिकेटर्स में या फिर और भी क्रिकेटर आप ऐड कर लीजिए इसमें, पाकिस्तान के बाबर आजम भी ले लीजिए, केन विलियमसन ले लीजिए, इन सभी क्रिकेटर्स में एक चीज़ कॉमन है, इनके जो कोचेज हैं ना राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, वो बड़े कमाल के थे। और जिन अकेडमीज़ में ये सारे बड़े प्लेयर गए या फिर और भी इतने स्टार्स आप देखते हैं, उनका जो स्टार्टिंग होती है ना उनकी, वो क्रिकेट अकेडमी से होती है। तो उसी को लेके एक सीरीज़ मैंने निकाली है क्रिकेट अकेडमीज़ को लेके। तो पूरे इंडिया में आई विल बी ट्रैवलिंग और सबसे अच्छी अकेडमीज़ हर शहरों में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में। तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं मुंबई से। अभी मैं मुंबई में हूँ और अब मैं सीधे जा रहा हूँ उस अकेडमी जो कि मुंबई की मुझे लगता है बेस्ट अकेडमी है, और एपिसोड 1 ऑफ अकेडमी ट्रैकर वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, मेरे साथ थोड़ा सस्पेंस रहेगा, अकेडमी से आपको रूबरी कराएंगे, कोच से मिलवाएंगे और हाँ, कैसी फैसिलिटीज सब आपको दिखाएंगे। तो एपिसोड 1 के लिए मुंबई में आ चुका हूँ, लेट्स गो। कहाँ पर? उसी अकेडमी चलते हैं, नाम नहीं बताऊँगा अभी मैं। मतलब गलती होना ही नहीं चाहिए, एटीट्यूड लेके लाइफ में जीना है ना? तो फाइनली ये रहा मुंबई क्रिकेट क्लब का ये ग्राउंड, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है अगर मैं बात करूँ मुंबई में। और आई थिंक मुंबई में सबसे अच्छी अकेडमीज़ की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था मेरे को, कौन सी सेलेक्ट करी जाए, किसको फीचर करूँ आपके लिए कि आपके लिए हेल्पफुल हो। और इस अकेडमी को चूज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं, और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर अकेडमी आपको सेलेक्ट करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पर कोच कौन है, राइट? कोच के अलावा वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या हैं, वहाँ पर कैसे लाइक विकेट्स कैसे हैं, और वो अकेडमी कितना ट्रैवल कर रही है, कितने मैचेस खेल रही है। तो ये सारे बॉक्सेस ये अकेडमी टिक कर रही थी, इसलिए वी आर फीचरिंग दिस अकेडमी नंबर 1। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं इसको, जो अकेडमी ट्रैकर शो है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? मुंबई क्रिकेट क्लब इन मुंबई। तो एपिसोड 1 में वी आर फीचरिंग दिस अकेडमी जो कि वर्ल्ड क्लास है, और वर्ल्ड क्लास क्यों है उसके सारे रीज़न आपको पता लग जाएंगे जब आप इसकी फैसिलिटी देखेंगे। आपको मैं इनके कोच से मिलाऊंगा, जो उसके हेड कोच हैं, वो आई थिंक उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं और इंडियन क्रिकेट को जो उन्होंने प्लेयर्स दिए रिसेंटली, आई थिंक जब उनका नाम सुनेंगे आप तो यू विल ऑल्सो रियलाइज के ये जगह एक्चुअली बहुत ही वर्ल्ड क्लास और वेल रन। और किसी भी अकेडमी में जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली फैसिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है पिचेस, तो वहाँ पर आपको ट्रेन करना है। तो अभी मैं एक पिच के लिए खड़ा हूँ, यहाँ पर कम से कम स्क्वायर में देखूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रैक्टिस विकेट्स हैं यहाँ पर, कम से कम 8 है। तो एक चीज़ तो डेफिनेटली टिक हो गई कि जो इंफ्रा है वो बड़ा कमाल का है, लेकिन यार सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपको वहाँ सिखाएगा, जो आपको ज्ञान देगा। और क्रिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एज अ ह्यूमन बींग भी इम्प्रूव करे, आपको बेसिक सिखाए कि बींग हम्बल। ये ध्यान आई थिंक बात करते हैं ज्वाला भाई हैं, ज्वाला भाई हेड कोच हैं, जो कि यशस्वी और पृथ्वी शॉ को भी कोच देते हैं। यशस्वी की स्टोरी जो कमाल की है, जो कि फिनोमिनल टैलेंट हैं उनको बनाने में, लोकेश सर बॉटल दे दो ना इसको, दे दो यशस्वी को आइडेंटिफाई किया टैलेंट, वहाँ से उठाया अपने घर में रखा, तो बड़े कमाल की इनकी स्टोरी है। तो ही इज द हेड कोच, जो सस्पेंस था हेड कोच एमसीसी के, वही उनसे बात भी करेंगे। आइए चलते हैं ज्वाला भाई। तो ज्वाला भाई इज हियर, ज्वाला भाई अभी अभी देख रहे हैं, ज्वाला भाई अभी ये बताइए सबसे पहले, जो बच्चा जब आता है अकेडमी में, व्हाट डू यू सी इन हिम, सबसे पहले क्या देखते हैं आप उसमें? कोई भी आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बहुत सारे अलग अलग लेवल के प्लेयर्स आते हैं जी, कुछ बिगनर्स आते हैं, कुछ लाइक मिड वाले होते हैं जो कहीं से खेल के आते हैं। तो अगर बिगनर लेवल का प्लेयर होता है तो बेसिकली वी लुक एट देयर फिजिक, राइट, उनका इंटरेस्ट, द डिवोशन टुवर्ड्स द गेम, क्योंकि ऑफकोर्स उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत अच्छा खेलेंगे। तो लाइक स्पेशली जो किड्स होते हैं 10 साल 11 साल 8 साल, राइट राइट, और अगर कहीं से कोई खेल के आ रहा है, कहीं दूसरी अकेडमी से भी हमारे पास आते हैं, तो उनका पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है कि वेदर वो, क्योंकि कहीं से आ रहा है मतलब वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं था, राइट, तो वी सी व्हाट इज द रीज़न, आइदर अकेडमी वॉज नॉट गुड, आइदर प्लेयर वॉज नॉट गुड, तो वो देखते हैं। और अगर कोई लड़का, फिर उसका ट्रायल रखते हैं हम लोग, सो मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो लड़के डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले होते हैं, अगर कोई बाहर से या कहीं से आ रहा है, देन ओनली दे कैन ज्वाइन अस। और अगर कोई अगर लाइक 19 के ऊपर है तो थोड़ा उनके लिए टफ रहता है, वी नीड ऑल देयर, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी नॉट द क्वान्टिटी, राइट राइट, सो दिस इज हाउ वी वर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भाई ने बताया। तो जब कोई बच्चा आया और आपको लगा कि उसमें टैलेंट थोड़ा कम है,
तो हाउ टू मेक श्योर कि वो बच्चे डिसअपॉइंट होकर ना जाएं, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई सर मेरे बंदा टैलेंट नहीं है, हाउ कुड आई अप्रोच। लाइक जैसे अभी मैंने नया चालू किया है ऑलवेज से कि प्ले फॉर पैशन नॉट फॉर सिलेक्शन वाला लाइन है मेरा, तो पहला जो हमारा काउंसिलिंग होता है मेरे साइड से या मेरे टीम के साइड से कि पहले तो क्रिकेट में कोई करियर बनाएगा कि नहीं बनेगा उसका कोई भी गारंटी नहीं, चाहे आप मेरे साथ सीखो या तेंदुलकर के साथ सीखो या किधर भी सीखो, अनलेस एंड यू डजंट हैव एनी स्पेशल एबिलिटी, तो पहले इंडिया खेलने के लिए स्पेशल एबिलिटी चाहिए ऑफकोर्स, और साथ ही साथ एक अच्छी एकेडमी, अच्छा कोच चाहिए। अगर आप अच्छा कोच नहीं है exactly. तो आप कितने भी टैलेंटेड हो यू विल बी नोवेयर, और अगर आपके पास लाइक कोई कोच भी अगर के पास अच्छा प्लेयर नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, ये भी वेरी वेरी सिंपल एज दैट, राइट राइट, तो प्लेयर के अंदर भी वो काबिलियत चाहिए और ऑफकोर्स कोच और एकेडमी के अंदर भी काबिलियत चाहिए। तो आपका जो सवाल था मैं उस पर आता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट्स होता है कि हम किसी को रिजेक्ट कर देते, तो हम लोग अभी जैसे MCC में हमने नया चालू किया है कि वी क्रिएट चैम्पियंस, क्योंकि जब बार बीच में बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते थे कि यू हैव कोच दिस प्लेयर इज प्लेइंग देयर, यू हैव कोच दिस प्लेयर यू आर प्लेइंग देयर, लाइक यशस्वी है और बहुत सारे लड़के हैं, तो फिर एक दिन मैं सोचने लगा कि मैंने क्या अपनी लाइफ में दो ही जन को कोच किया है, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैंने एक रिसर्च किया उसके बाद, मेरे पास जो भी बच्चे शुरू में आते थे उनके घर पे गया मैं और उनका हाल जानने के लिए कि अभी वो क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जितने भी लड़के मेरे एकेडमी से या मेरे साथ रहे या गए वो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई बैंक का चेयरमैन है, कोई बॉलीवुड में चला गया, नाम नहीं बताऊंगा बॉलीवुड वाले का, कोई CCL खेलने लगा, सेलिब्रिटी लीग खेलने लगा, कोई बैंक में कुछ हो गया, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिल्डर बन गया। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम लोग तो उस टाइम पे कुछ कर नहीं रहे थे क्रिकेट के अलावा, तो ये हुआ कैसे? तो दो तीन लड़कों ने बड़ा इंटरेस्टिंगली बोला कि सर जो आप सिखाते थे अपार्ट ऑफ क्रिकेट, उससे मुझे लगा कि यार अगर ये नहीं सर ये सही exactly. और ज़िंदगी में यू नो ऊपर आना इम्पोर्टेंट है, आप क्रिकेटर बन के आओ, बिजनेस मैन बन के आओ या जो भी बन के आओ, तो एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि आप आगे की ज़िंदगी में अपने आप को और अपनी फैमिलीज को कितना अच्छा रख सकते हो। तो आई रियली फील हैप्पी कि हमारे यहाँ पे जो हम एटीट्यूड बिल्ड करते हैं प्लेयर्स का, नेवर गिविंग एटीट्यूड, फाइटिंग स्पिरिट और बींग इन प्रेजेंट, प्रोसेस फॉलो द प्रोसेस, तो उससे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें निकल के आती है जो शायद बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। हाँ, एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जला भाई, ये बताइए अक्सर बच्चे बोलते हैं मेरी उम्र है 18 साल 19 साल 20 साल, पैशनेट ट्रेमेंडस है वो, उनमें से कुछ टैलेंटेड भी हैं, तगड़ा खेलते हैं, खूब रन बना रहे जाके कॉर्पोरेट में कहीं भी खेल रहे हैं, एज लिमिट बताइए, क्या कोई एज लिमिट है? यस वी हैव, आपके पास एबरेशन है, यू हैव माइकल असी है, सूर्या है, जरा मैंने एबरेशन, लेकिन कोई एज कहते नहीं जब जागो तब सवेरा, क्या क्रिकेट में ये लागू है अभी करंट जो इंडिया का स्ट्रक्चर है ना, अनफॉर्चुनेटली जब प्लेयर्स का एज ज़्यादा हो जाता है ना उसको सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। अगर आप बाकी ऑस्ट्रेलिया जितने नाम लिए मोस्टली ऑस्ट्रेलियन है, और आपने सूर्या का भी नाम लिया तो वो भी एज ग्रुप क्रिकेट खेल के गया, खेल के गया है वो, हाँ मतलब हाँ सो एक एक सिस्टम होता है। तो इंडिया का जो सिस्टम है ना, वी आर मोर ऑफ एज स्पेसिफिक, लाइक अगर बैट्समैन आप देखो तो कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं होगा, बहुत ही रेयर इक्का दुक्का मिलेंगे जो अंडर 19 नहीं खेले, राइट राइट, या स्टेट की जूनियर खेल के नहीं आए, स्ट्रक्चर क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऐसा कुछ ईयरली प्रोग्राम बहुत रेयर है एसोसिएशंस के पास। अभी मुंबई का मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्लब क्रिकेट होता है, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन, कॉर्पोरेट क्रिकेट होता है, बट उसमें भी वही लड़के खेलते हैं जो जूनियर क्रिकेट से आते हैं। एग्जैक्टली, तो ये बहुत ही मुश्किल है, अगर आपने एज ग्रुप मिस कर दिया तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कम अप, बट अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा कि इम्पॉसिबल है, कुछ लोग आते भी हैं, बट आई कैन से कि फास्ट बॉलर्स अगर कोई है, कोई फास्ट बॉलर है अगर वो लेट बिगिनिंग करता है तो उसके लिए स्टिल अपॉर्चुनिटी होता है, अगर 18, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है 18 के बाद ही बिल्ड होती है, और अगर आप समझो किसी भी नेट्स में भी जाके बॉल डाल रहे हो तो पेस पता चलता है कि ये जोर से डाल रहा है, राइट, राइट। लेकिन अगर बैट्समैन अर्ली एज में मिस कर गया तो आई फील इट्स वेरी डिफिकल्ट, और बहुत ही रेयर चांस है कि वहाँ से आप निकल के आओगे, खाली एक ही ब्रैकेट बचता है 18 साल के बाद, होता है 23 होता है, लेकिन 23 में भी क्या होता है कि जो लड़के अंडर 19 होते हैं फिर वही exactly, वो डालते हैं। तो एक एज के बाद क्रिकेट चालू करके इंडिया के सिस्टम में आना रियली चैलेंजिंग, बट इट इज नॉट द एंड, राइट। मैं हमेशा से ये बोलूंगा कि अगेन कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आप ब्रेक कर सकते हो तो आप कर सकते हो, राइट, बट ऑफ कोर्स योर जर्नी विल नॉट बी स्मूथ देन लाइक अदर्स। एब्सोल्युटली, तो इसमें कुछ चेंज हो सकता है,
क्या यू सी एनी चेंज इन फ्यूचर, अगर आपको बोला जाए भैया क्या चेंज करो? मैंने बहुत सारे लोगों को बोला जो पावर में होते हैं कि आई थिंक जैसे रणजी ट्रॉफी की टीम होती है वैसे एक ए टीम बननी चाहिए, ठीक है? लाइक सपोज मुंबई रणजी मुंबई ए, मुंबई जो 23 का ब्रैकेट है वो हटा देना चाहिए। ओके, तो अगर 19 के बाद लोगों को लगेगा कि नहीं मैं इस टीम में आ सकता हूँ तो देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी, राइट? तो ये हो सकता है। और बहुत सारे एसोसिएशन अभी हर जगह पे यू नो T20 लीग चालू हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वे टू कम अप। जैसे आप देखेंगे कि अभी तमिलनाडु प्रीमियर लीग से 2-3 प्लेयर्स आए, बिल्कुल TNPL से आए, तो उस तरह का अगर ये जो T20 लीग्स अगर हर एक एसोसिएशन ने चालू कर दिया तो मे बी ये कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि आज एड्रेस हो गया होगा एज के लिए। यहाँ पर फैसिलिटी सारी हम देख चुके हैं, आपने फुटेज में लगातार देखा होगा, नेट्स देखे, ये देखे, सब चीज़ें देख लें। भाई यहाँ का स्ट्रक्चर क्या है इन द सेंस, किसी बच्चों को एडमिशन लेना हो आके ऑल ओवर इंडिया से यू आर टेकिंग एडमिशन? यस यस, नाउ वी आर प्लानिंग टू मूव ऑल ओवर एंड हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है। हमारे पास अराउंड 35-40 बच्चे इसी एरिया में, वेरी नाइस। दिस इज द सांता क्रूज एरिया, मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया, राइट। सो हमारे पास फ्लैट्स है, फिर हमारे पास शेयरिंग सिस्टम है, हमारे पास आउटडोर नेट्स है, हमारे पास इंडोर नेट्स भी है, राइट? और हमारे पास यू नो कोचेज एंड ऑल, एवरीवन इज देयर। राइट, तो अगर हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना है तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, राइट? www.mccricket.com, उधर आपको एक इंटरेस्ट रेस करना होगा, फिर हमारी एडमिशन टीम आपको कॉल करेगी, वी विल आस्क योर वीडियोस, वो वीडियो देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको मुंबई बुलाना है कि नहीं बुलाना है। Exactly. अगर लगेगा कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हो तो हम लोग बुलाएंगे, और लगेगा कि नहीं कर सकते हो तो नहीं बुलाएंगे। हां, सिंपल सी बात, समय व्यर्थ नहीं होगा आपका, बिकॉज़ हमारे यहां पे आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, राइट? और हमारे यहां पे सिस्टम ये है कि जो भी बच्चा आता है उसको हमेशा एक पर्सनल कोच हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रुप कोचिंग के अलावा हफ्ते में 3 दिन उनको 1 आवर का रहता है। देन वी हैव स्पेशलिस्ट लाइक यू कैन सी हमारे साथ वास हैं, वसीम भाई भी थोड़े दिन में ज्वाइन करेंगे, फिर विनायक सामंत है, रणजी ट्रॉफी खेले अभी, राजेश, मतलब हर डिपार्टमेंट में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग विकेट कीपिंग हर डिपार्टमेंट एक एक एक्सपर्ट्स है। तो हमारे ग्रुप ट्रेनर के अलावा पर्सनल ट्रेनर है, एक्सपर्ट ट्रेनर्स है, एंड वी हैव लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिकेट खिलाते हो आप। हम लोग अप्रोक्सीमेट 12-14 टूर्नामेंट हमारे खुद के बच्चों के लिए करते हैं, इनवाइटिंग अदर टीम्स, राइट? अ पार्ट ऑफ दैट हम हर साल हमारी एक टीम इंग्लैंड भी भेजते हैं, जाती है, राइट? तो अगर यहाँ पे कोई आके खेलता है और परफॉर्म करता है तो आई कैन से आई थिंक स्काई इज द लिमिट, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल कमाल का एक्सपोजर मिलेगा आपको। एकेडमी ट्रैकर का पहला एपिसोड जिसमें फीचर किया हम लोगों ने, मुंबई से स्टार्ट किया है, अब हिंदुस्तान के सारे बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी जाएंगे और वहाँ की जो बेस्ट अकेडमीज है उसे फीचर करेंगे ताकि आपके लिए हेल्प हो पाए कि आप सेलेक्ट कर पाएँ एक प्रॉपर अकेडमी जहाँ पर एक क्वालिटी कोच हो, जहाँ पर इंफ्रा अच्छा हो और जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। तो आई थिंक आपने इन्जॉय किया, और जाते जाते यू कैन सी ये पूरा दे सकते हैं कि जहाँ पर इतने सारे क्रिकेटर ट्रेन करने आते हैं और अपने ड्रीम्स को यहाँ पर अचीव करने की मेहनत करते हैं दिन रात। तो और हाँ, आपको बता दूँ, ये जो पूरा जो सीरीज़ है अकेडमी ट्रैकर बिल्कुल भी पेड नहीं है कि एक रुपए किसी ने मुझे दिया हो, किसी कोच ने या किसी अकेडमी ने कि आप मुझे फीचर करो। इस पर हम लोगों ने इसकी रेकी करी है मैंने, और देखा है कि अकेडमी के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, कितना वो ट्रैवल कर रही है, वहाँ पर इंफ्रा कैसा है, और हाँ वहाँ के कोचेस कैसे हैं, तब मैंने सेलेक्ट किया है। तो आज मुंबई था, नेक्स्ट में यू विल सी दिल्ली, फिर उसके बाद जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह की जो बेस्ट अकेडमीज़ हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। आप हिंदुस्तान में कहीं भी देख रहे हो, आप आराम से इन अकेडमी को सेलेक्ट करके वहाँ पर जा सकते हैं। तो आई एम साइनिंग ऑफ मुंबई से, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हाँ अगला एपिसोड आई थिंक दिल्ली में करेंगे हम लोग। ओ बाय।